वो फाइनली हम घर पहुंच गया। हमारे स्वागत हो रहा है चाय के साथ, गर्मा गर्म चाय से। मम्मी की यहाँ बन रही है चाय। मम्मी बड़ी नाराज हो रखी है आज, और नाराज होने का कारण है बेल्ली। क्यूटी भाई, क्यूटी भाई, क्यूटी भाई, तुम नाराज होने के कारण हो। वाह, प्रिया ने बना रखा डिलीशियस वाला मस्त वाला। आज कौन सा बनाया है? गोल्डन कॉर्न पिज्जे। बढ़िया यार, इनके भी रोस्ट हार्ट चल रहे, इज्जे पिज्जे ही बनते रहते हैं इनके, बैक टू बैक लूप लूप में बनते हैं, लूप में। ओके, मुझे लगा आज भी फिर लूप में बनेंगे। आज लूप में नहीं बन रहा है, आज सिंगल पिज्जा है। चीज कम होता आज, चीज कम था ना आज। ओके, सो एंजॉय। आज भाई साहब फिर से बादल बादल लग गए, जो कल तक खुशियां थी ना, आज फिर ठंडे में बदल गई। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली व्लॉग्स भाई अंकित में। दोस्तों सुबह सुबह मूड ही खराब हो गया, पहले तो मौसम को देखकर बादल लग गए, फिर बारिश आएगी, एंड दूसरा इसको देख के आज अगर दाढ़ी नहीं कटी मेरी और मैं भूल गया, अगर किसी कारणवश रह गया तो कल को तो हमारे वहाँ मतदान है, तो कल तो संभव है नहीं, बात चली जाएगी परसों पे। आज मुझे यथा संभव प्रयास करना है दाढ़ी वाड़ी कटाने का, मेक ओवर करने का अपना थोड़ा सा। तो भाई साहब फाइनली दिन आ गया, शुभ मुहूर्त आ गया है दाढ़ी वाड़ी थोड़ा सेट कराने का, फाइनली 4 दिन बाद। रोज रोज आपसे कहता हूँ करानी पड़ता ना, तो आज करा ही रहा हूँ। व्याख्या तो क्या करूँ इस शब्द की। मौसम देख रहे हो जय, जो मौसम फिर से पकड़ाएगा यार, मूड खराब है, बड़ा मूड खराब है मौसम का देख देख के। बड़ी मुश्किल से 2 दिन धूप आई है फिर से, कहा कहे इस मौसम ने जीने नहीं दे रहा है। फरवरी भी मेरे ख्याल से बारिश बारिश में निकलनी है रोज, और आज थोड़ा सही सही सा लग रहा, मतलब थोड़ा तमीज की दाढ़ी लग रही है, सही है। तो भाई साहब बाल है, तो भाई साहब बाल वाल तो कटा लिए, अब चलते हैं घर को। देख रहे हो पीछे से काले काले बादल आ रहे हैं, घनघोर घटा छा रही है धीरे धीरे, शाम तक ये भी पहुंच जाएगी यहाँ, उसके बाद बरसेगा सावा बादल। थर 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 और क्या, और क्या, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तुम जब भी बाहर घूमने जाते हो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, दूध लेने को जाते हो कुत्तों से कटवा कर आते हो, और घर को वापस आते हो मम्मी का आधा जिया जलाते हो। तुम मम्मी पे भों भों, तुम प्रिया पे भों भों, तुम अंकित पे भों भों कर जाते हो, तुम रोज भोंका भाकी करते हो और रोज मस्ती में रहते हो। ये बैल जी का गाना था, राधा बुआ ने बताया था गाना। क्यूटी बॉय, क्यूटी बॉय, क्यूटी बॉय, क्यूटी बॉय, क्यूटी बॉय, आई लव माय क्यूटी बॉय। ये काट दो रे, काट दो रे, काट दो। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा, ये हाथ है काटने का नहीं, अच्छा कुत्ता था हमारा, आधा किलो मांस था, सीखा जाएगा कुत्ता है। तो दोस्तों अब नहाने का टाइम हो चुका है, दाढ़ी वाड़ी सेट करा ली थी, तो अब नहा लेता हूँ थोड़ा। ए कालिया, जब तुझे काटा कितने कुत्ते थे? प्रिया कह रही वो 3 कुत्ते थे, तुम एक और तुम कट के आ गए। हमारा बेलजी उनको मार के आता, काट के आता, अगर वो दक्षिण भारतीय कुत्ता होता तो yes. अगर दक्षिण भारत की फिल्मों का कुत्ता होता ना, तो 333 कुत्तों को काट के आ जाता। तुम बात हल्के में ले रहे हो। अरे मम्मी तो घूंघट घूंघट गाड़ के लगी पड़ी है, मैं नहाने की तैयारी करता हूँ। ओ माय गॉड, बिनी के देख रहे हो कितने जोर की लगी है मिनी बॉय के। दोस्तों दाढ़ी वाड़ी बना ली, अब थोड़ा क्या बना रखे, हाँ ये यहाँ इसका ये बन रहा है, क्या बोलते हैं इसको, मटर और गाजर उबाल रखे। तो भाई आज तुम्हारा भाई लगाने वाला है चेहरे पे, क्या बताए, बहुत दिनों बाद मैं अपने चेहरे पे कुछ लगा रहा हूँ, ऐसे ही मन कर रहा था, मैंने कहा लगा के देख लेता हूँ, पूरी दुनिया लगाया है ऐसे ऐसे ना, लिपाई पुताई। ओ भाई साहब टपक रहा हो जाए, यह ना मोटा वाला बेसन जो मैंने उस दिन मंगा रखा था अपने, उसके लिए ढोकले के लिए जो मंगाया था मैंने मोटा वाला बेसन, वही लगा लेता हूँ। ओ भाई 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 तो टपक रहा है, पता नहीं इसको लगा के लोग घेलते कैसे हैं, ये लगता लग भी नहीं रहा मम्मी, ये तो लग भी नहीं रहा ढंग से, मोटा वाला नहीं लगता क्या चेहरे पे मुझे, क्या बता, गलती होगी, मम्मी बोली मोटा वाला नहीं लगाते इतना ज्यादा, ये बहुत ज्यादा मोटा वाला था, ये लड्डू वाला था, ये तो अटक ही नहीं रहा चेहरे पे भाई। ओ ये तो कुछ भी नहीं हो रहा यार, ये तो रुक ही नहीं रहा, मुझे क्या पता रुकता नहीं रुकता ये मोटा वाला। मम्मी कह रही तू तीतर बना है तो कर अब झेल यार, ये तो मूड ही खराब है गौरे। मुझे लगा ये अच्छा लगेगा, दर्दरा दर्दरा, एक आध बार मैंने गर्मी में लगाया था तो मैंने पतला वाला बेसन लगाया था ना, बड़ा अच्छा लगता है, पूरा लेप जैसा लगता है, और ये तो
क्या बोलूं भाई, लग ही ना रहा मुझे। ओ भाई चिपक जा रहे, चिपक जा। ने ठान रखी भाई चिपकनो की ना है। लगा यार बे यार, टप 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 बरसा पानी, पानी में आग लगाई हो रहा है। फिर टपका फिर टपका, ऐसा ही अभी लगाए थे। बहुत टेढ़ी खीर हो जा रहा भाई इसको लगाना, सच में बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर। तो आप लोग अगर मुंह में लिपाई पुताई करें ऐसी, तो जो लोग को पता है उनके लिए तो सही है, जो पहली पहली बार ऐसा ट्राई करना चाहते हैं लोग, कृपया करके बारीक बेसन लें इसके लिए, इस प्रयोग के लिए। तो मुझे इससे बहुत बदबू आ रही क्योंकि मैंने इसमें गाय का कच्चा दूध ऐड करा है, और बार में दही में बनाता था तो दही हमारे वहाँ है नहीं भाई, बेकार हो गया यार। तो भाई ये चल रहा है तुम्हारे भाई। अब रे राधा बुआ तो आते ही डांटने लग गई। मैं मर भी जाऊंगी तुमको, फिर राधा बुआ क्या कहती है। टाइम से उठो, टाइम से सो, उठो अपना बनाओ जिंदगी, क्या है ये, क्या है मेरे को समझ में नहीं। 12 बजे उठना बन, 12 बजे तो लेसरवा देवे, बहुत लड़ाई कर रही हूं मेरी लड़ाई भी यही कारण है। मेरे को कहते ना ये मेरी चिड़ी इसी बात, पता क्या करते हैं, फटाफट 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 काम करना चाहिए। मैंने एक से काम का उठने के लिए मैंने खाना खा रखा, मेरे को ये नहीं हो रहा। मैं 12 बजे झाड़ू लगने को इनके भरोसे बैठे, 12 बजे में ऐसी राधा बुआ की अभी हमने चटपटी गाली खा रखी। फर्क पड़ता है भी ये नहीं कि आज कुछ कह दिया कल तुम कुछ। अब मैं उठाऊंगा पहले मैं बात। तो दोस्त आज तुम्हारा भाई ने दाढ़ी वाड़ी सेट करा रखी, मुझे कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ। पहले सही लग रहा था, अभी लग रहा है। शकल ही अच्छी नहीं है यार, क्या करूँ, शकल ही अच्छी नहीं। वो बेलजी का ड्रामा चल रहा, राधा हुआ लगी उससे। बेलजी सीखे क्यों निकालना क्यूटी, कितने झाड़ू काट दिया इसने, क्यों निकालना क्यूटी, क्यों निकालना क्यूटी क्यूटी। अरे ये देखो कैसे खा रहा छींक, गुड बॉय है क्यूटी, छोड़ दे। नो 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 नो, फिर खराब है को, फिर खराब है को। कपड़े धोए मैंने चूल्हे में, पांच धुनी गरम करनी, सॉरी आग जलाने में लगे दिन भर। वाव वाव, तो यहाँ पैड़ी बन रही है, और हमारे बनेंगे क्या बनेंगे, इसके क्या बनाने वाले प्रिया हम, बर्गर, बर्गर की पैड़ी बन रही है। करो बनाओ, चलो शुरू हो जाओ। तो मैं दूध गर्म कर रहा हूँ, मैं तो अपने खिचड़ी में दूध डाल के खाऊंगा भाई, मुझे खिचड़ी दूध के साथ पसंद है। मम्मी की फोन आ रहा है, मौसी का आ रहा है, मौसी का। मौसी नमस्कार, क्या कह रही, ये तेरा बाल गोपाल को पता हो गए, फोन नहीं उठा रहा, सोया हो, ले प्रिया से पूछ। भाई साहब कैसे खाया जा रहा, कैसे खाया जा रहा, ये देखो बर्गर, ये प्रिया क्या हैंडमेड बर्गर है, बर्गर होममेड हैंडमेड चीजी बर्गर। ये बेल्दी क्या कर रहा, कुछ तोड़ रहा है, देखना तो क्या है। भागी। अभी थोड़ा सा राशन वासन लेने गया था, पहले थोड़ा सा काम से गया था, और अब चलते नहीं चुका। और यहाँ आ रही बच्चों की टीम, मुझे ऐसे पकड़ के चलानी तो आती नहीं है यार, एक हाथ से अभी इतना प्रो हुआ नहीं हूँ ना। ये भाई साहब क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, सिर फोड़े हो, मेरा सिर क्यों फोड़े हो, कल वोट देने जाओगे तुम सब लोग, तुम्हारे वोट बहुत अमूल्य है। क्या कौन है 18 साल का, अरे गाली किसने दी है, यहाँ पर गाली की आवाज आई, वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रखी है, काट देनी पड़ेगी। ऐसी गंदी गाली मत दिया करो यार बच्चे हो तुम लोग, इट्स ओके। अब मैं कर दूंगा डिलीट, तो मैं करूंगा यार, मैं तो खुद गाली नहीं रखता हूँ। और कौन सा गेम खेल रहे हो तुम, क्रिकेट, अरे तू भी दूध का धुला नहीं है, सब पता है मुझे कौन कितने गहरे पानी में है। क्या नाम है छोटा वाला, इधर तो आ बेटा, मौज नहीं कर रहा तू, कौन सी मौज करी तूने, इधर तो डायलॉग मार, तो बेटा मौज कर दी बोल तो, अरे इधर तो आ नवोदित, ए नवोदित जना है, सुन रहे भाई साहब। अब चलते हैं दूध लेने यार, शाम के 7:45 नहीं 8:15 हो चुके हैं, और दूध लेने जाना है, और मैं, मेरा बेल्जी तैयार है। आज मैं स्कूटी से जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, और बिनी को समझ में नहीं आ रहा, वो यही सोचा कि जैसे हम रेगुलर जाते हैं वही जाना है, वो भी फुल तैयारी में, वो जैसे मैं जूते, मुझे जूते पहनते देखता है ना, वो तैयार हो जाता है, उसको पता है दूध लेने जाना है, इंतजार कर रहा, लेकिन लेकर कैसे जाऊं, आज जाना मुझे स्कूटी पे। एंड मैं इससे पहले का आपको कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि व्लॉग एडिट कर रहा था, आप सबको पता है यार, एडिटिंग एडिटिंग एडिटिंग, बस यही लाइफ में चल रहा। और आज भाई के बाल देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे चिड़िया ने घोंसला बनाया रखा है, कारो कारो अच्छे लग रहे हैं बाल, आई लाइक। और मुझे ऐसे एक कर्ली बाल हो ना पूरा यूं यूं, प्रिया जल रही है मेरे बालों से, बोलने दो उसको, बोल ली गंदे लगते लेकिन मुझे अच्छा लगता है। कैसा को देखो, देखना है जैसे ही बाहर जाऊंगा तैयार हो जाएगा। आ गया वो सीधे दरवाजे पे जाएगा, अब मैं अंदर जाऊंगा, अंदर आएगा, मैं जहां जहां जाऊंगा वहां वहां आएगा, क्यों, क्योंकि उसको पता है मुझे दूध लेने जाना है। अगर मैं रुक गया हूँ, अब रुक गया, अब मैं अंदर जाता हूँ ना, अंदर आएगा, धीरे धीरे अंदर आएगा। ये देखो अब मुझसे दूध लेने चल,
अब मैं चलूंगा, अब मैं चलूंगा तो आगे आगे दौड़ेगा। हाँ अब देखना, ये देखो मुझसे पहले, ये देखो मुझसे पहले। अब कह रहा चल भाई। अरे बिनी तू नहीं जाएगा आज क्यूटी, तू नहीं जाएगा क्यूटी साथ। अरे तुम नहीं जाओगे बच्चा, बहुत गंदे हो तुम। चाबी चाबी बता, थाली में रख रखी मम्मी ने। वाह बड़ा जो बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बोल बम बोल बम बोल बम। बोले कहे भाई, अच्छा ही झोले में सामान रख रखा। तो भाई चलो चले दूध लेने। मम्मी चुटी भाई को रोक लिया, मैं दूध लेने जा रहा हूँ। चुटी भाई तुम नहीं जाओगे। अरे बच्चा तू नहीं जाएगा आज, बच्चा आज नहीं जाएगा। प्लीज प्लीज चुटी घर रह ले, चुटी घर रह ले आज, चुटी प्लीज घर रह ले। इसको ले जा ना बच्चा, आज नहीं आज नहीं आज नहीं आज नहीं आज नहीं आज नहीं बच्चा आज नहीं आज नहीं। बाय चुटी, आज स्कूटी में जाना है ना क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है, तो मैं क्यूटी को ही लेकर नहीं आया यार। चलो भाई साहब, तो दोस्तों आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।